वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो रमजान मुबारक सबको। अच्छा, मैं जो है वो फ्लैट्स भी खोल लेता हूँ साथ। और अच्छा, पहले तो ये बताएं कि चलें, अभी तो सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ही हैं, तो मिस मलाई उसका मिस मारिया को तो पता है कि उन्होंने कर लिया था ग्रुप में रात में। तुबा आपने कर लिया, हेलो वर्ल्ड कर लिया था? नहीं, चले, ये अच्छा मैं हुआ, हेलो वाल नहीं करती हेलो वर्ल्ड नहीं किया। चले, तो वो जो है क्योंकि आप वीडियो में कंसोल लॉग वगैरह कुछ समझ तो आ रहा है वॉइस, लेकिन ना नजर बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लर आ रही है वीडियो, बहुत मुश्किल हो रही है। उसकी आप रेजोल्यूशन बढ़ा लेती हैं, 720 पे कर लेती हैं, फिर सही हो जाता वो। चले खैर, हम आज दोबारा अच्छा उसको देख लेते हैं कि कैसे जो है हेलो वर्ड करना है और कंसोल डॉट लॉग करते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले तो जो है वो आप लोगों के साथ स्लाइड ओपन कर लेते हैं। ओके, मलाइका इमरान भी आ गई है। अच्छा, आप मुझे बताइए, मैंने आप लोगों के साथ एक ही स्लाइड शेयर की है, सेकंड वाला पार्ट 2 वाला स्लाइड जो है वो भी शेयर कर दिया है, या भी सिर्फ पार्ट 1 ही किया था मैंने? पार्ट वन ही है। अच्छा पार्ट 1 ही किया। अच्छा चलिए, आज मैं सेकंड भी कर दूंगा। अच्छा, अभी आप लोग चलें बताएं, हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। आज हम इंस्टॉलेशन वाला काम करें या समझने वाला काम करें, क्योंकि दोनों ही वैसे तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन आप लोग ऊपर छोड़ते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स की भी सुन लेनी चाहिए। तो आप लोग बताएं, आप लोग क्या मुझे समझना है अभी, या तो जो है इंस्टॉलेशन कर लें, क्योंकि इंस्टॉलेशन भी वैसे लाजमी है, ज़रूरी है, और उसमें भी थोड़ा बहुत समझने का है, लेकिन आप लोग बताएं। समझा दें अभी। समझा दे, चल ठीक है, समझ लेते हैं हम लोग, आज समझने वाला काम कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए तो फिर जो है स्लाइड्स की जरूरत नहीं है, स्लाइड्स फिर जो है हमें इंस्टॉलेशन वाले में चाहिए होंगी। अच्छा, मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, एक सेकेंड। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। हो रही है। ओके, अच्छा, अब जो है हमने उस दिन क्लास 2 का फोल्डर बनाया था, इसी तरह मैं यहाँ पे जल्दी से जो है क्लास 3 के नाम से फोल्डर बना लेता हूँ। वैसे तो आप लोगों की क्लास 34 है मे बी। अच्छा, अब मैं इसको ओपन करूंगा, और अब मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड नहीं करूंगा, मैं ऊपर यहाँ पे जहाँ पे इसका पाथ लिखा हुआ रहा है पूरा, वहां पे आऊंगा, जो भी सब कुछ लिखा हुआ है उसको रेस करूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा CMD। CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं जल्दी से लिख लेता हूँ कोड स्पेस डॉट। ठीक है, कोड स्पेस डॉट क्या करता है, हमारा जो है वो VS कोड ओपन कर देता है इस फाइल के अंदर। डॉट क्या कर रहा है, डॉट बताता है कि इस फाइल के जरिए भाई VS कोड ओपन करो। अगर सिर्फ कोड लिखता तो VS कोड जो है डेस्कटॉप में ओपन हो जाता, मतलब डेस्कटॉप पे जितने भी फोल्डर्स पड़े हैं वो हो जाता। डॉट का मतलब क्या है कि डॉट बता रहा है कि भाई आप जो है इसी फोल्डर में, जो हमने क्लास 3 का फोल्डर बनाया है, उसी के अंदर ओपन हो। ठीक है, अच्छा, ये VS कोड भी ओपन हो गया हमारा। अच्छा, अब जो है हम यहाँ पे जल्दी से टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं। जैसा पहले हम HTML की फाइल बनाते थे, इसी तरह अब हम टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाएंगे, और उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, ts.ts। अच्छा, आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोगों ने क्या करना है, अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है और गिटहब को जो है वो सीखना है। तो किसी ने स्टार्ट किया लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई किसी ने? क्योंकि देखें, जैसे मैं आप लोगों को चीज बताऊं, पहले जो अपग्रेडेशन आती थी, पहले जो अपडेट्स आती थी, वो आती थी 1 साल या 2 साल बाद। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब से ये AI इतनी स्पीड से ग्रो कर रहा है, अब जो पहले 1 साल बाद या 2 साल बाद जो है अपडेट्स आती थी, या जो है वो चीजें जो है और दूसरी होती थी, तो अब क्या होता है कि जो है वो 2 महीने के अंदर ही या 1 महीने के अंदर ही जो है वो अपडेट्स आ जाती हैं। अब जैसे देखिए, आप लोग अगर अपडेट होते लिंक्डइन वगैरह पे, आप लोगों ने सब फॉलो किया हुआ होता प्रोग्रामर्स को, बड़े बड़े जो
जो गूगल के साथ काम कर रहे हैं, इंडियंस काफी हैं। पाकिस्तान की जो है वो शफीका इकबाल हैं, वो पोलैंड के अंदर जो है गूगल के साथ काम कर रही हैं। तो आप लोग अगर उनको फॉलो किया हुआ होता या आप सारे होते तो आप लोगों को पता होता कि अभी जो है रिसेंटली AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया है, जिसने AI का इंटरव्यू, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटरव्यू जो है उसने पास कर लिया है। और अब कंपनी जो है क्या कर रही हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हटा के AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर कर रही है। अब हायर क्या कर रही है, फ्री है वो तो बिल्कुल, अब बस उसको खरीदना पड़ता है। तो कंपनी से एक दफा उसको खरीद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसका हो गया। तो उसका नाम रखा है डेविन AI, डेविन, शायद मैं प्रोनाउंस थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ, लेकिन डेविन उसका जो है बाहर नाम है। तो मतलब अभी रिसेंटली जो है इतनी बड़ी अपग्रेडेशन आ गई है कि सारा पूरा उसने जो है हिला के रख दिया है सबको। तो इसी तरह जो है निविडिया के जो CEO हैं, वो जो मतलब पूरे ग्राफिक्स जो हमारे कंप्यूटर में जो चल रहे हैं, जो उस कंपनी के जो CEO हैं, उन्होंने कहा कि ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामर जितने भी हैं, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, C++ हो गई, PHP हो गई, ये सारी जो है रिप्लेस हो जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज से। मतलब हमने सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना होगा कि भाई जैसे मिसाल के तौर पे मुझे जो है अभी हमने जैसे कंसोल डॉट लॉग पढ़ा है सिर्फ, या चले अभी तो कंसोल डॉट लॉग पढ़ा है, अगर मैं आप लोगों को थोड़ी फॉर एग्जाम्पल दूँ कि मुझे जो है बैकएंड के अंदर ये लॉग इन फॉर्म बनाना है कि लॉग इन फॉर्म हो तो डेटाबेस में मेरे इस एक्सेल शीट के अंदर सारा डेटा आ जाए जो जो लॉग इन करे। तो इस तरह हमें सिर्फ जो है एक प्रॉम्प्ट लिखनी होगी कि डेविन AI को या किसी भी इस तरह कोई AI आएगा उसको इंग्लिश में बताना होगा कि आप मेरे लिए लॉग इन फॉर्म बना दो जिसका डेटा मेरे एक्सेल शीट में जो है आना चाहिए, और एक्सेल शीट का लिंक हम वहाँ प्रोवाइड कर दें। तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा जो है हमें जिस भी लैंग्वेज में हमें रिक्वायर्ड होगा, हमें पाइथन में चाहिए, हमें जो है PHP में चाहिए, हमें C++ में चाहिए, तो वो हमें पूरा बना के दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है क्या प्रॉब्लम है कि वो बनाकर तो दे देगा, बट कहाँ से बनाएगा, क्या उसके अंदर रिक्वायर डॉक्यूमेंटेशन कौन सी वो यूज करेगा, वो तो इंसानों ने बनाई हुई है। तो देखिए नॉर्मल जो अभी बेसिक बेसिक चीजें हैं ना, जैसे बेसिक प्रोग्रामर जिसको कह लें, वो तो वैसे ही रिप्लेस कर दिया है AI ने। जितने भी जो है अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, कल की बात है परसों की, देखिए ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोग एक AI के दुनिया में है और एक AI का कोर्स कर रहे हैं आप लोग बेसिकली, तो आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए कि दुनिया में हो क्या रहा है और अपडेटेड रहना चाहिए। तो इस वजह से मैं आप लोगों को सारी बातें बता रहा हूँ कि अभी जो है जो बेसिक्स प्रोग्रामर थे, मतलब जिनको बेसिक चीजें आती थी, सिर्फ बेसिक HTML, मतलब HTML से फुल आती थी, बेसिक जावास्क्रिप्ट आती थी, बेसिक पाइथन आती थी, तो वो तो जो है उसने AI ने रिप्लेस पहले कर दिया है। ठीक है, वो पहली जॉब जा चुकी हैं। अब मैं बता रहा था कि मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक, तो उस इंटरव्यू के अंदर उसने जो है एक इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था काफी जो है उसका, इस पे भी पेज है इंस्टाग्राम पे भी, इजी स्निपेट के नाम से आप लोग देख सकते हैं वहां पे भी। तो वो क्या करता है, उसने क्या बोला, वो क्या बता रहा था कि उसकी जो एक पूरी की पूरी टीम जो है उसके ऑफिस से एक पूरी टीम को रिप्लेस कर दिया AI ने। मतलब पूरी जो एक टीम बनी हुई थी प्रोग्रामिंग नहीं करती थी बट वो फाइनलाइज करती थी, सारी चीजों को फाइनल चेक करती थी कि सारी चीजें परफेक्टली रन कर रही हैं। तो वो पूरी टीम एक बनी हुई थी, उस पूरी टीम को जो है AI ने रिप्लेस कर दिया। अब AI का टूल आ गया एक न्यू, तो उस उन्होंने क्या किया, कंपनी वालों ने उस AI को खरीदा, सब्सक्रिप्शन उसकी खरीद ली 1 साल की, वो कोई जो है इतनी महंगी नहीं थी। तो वो खरीद के उन्होंने क्या किया कि एक पूरी टीम को जो है वो AI से रिप्लेस करवा दिया, मतलब AI को वहां पे लगा दिया काम चेक करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए, और उस पूरी टीम को उन्होंने जो है क्या किया, निकाल दिया अपनी कंपनी से। तो जो बेसिक प्रोग्रामर्स है ना, जो जिनको बेसिक्स आता है, वो तो जो है अभी से रिप्लेस हो चुके हैं। इसलिए आप लोगों ने हर चीज को डेप्थ में जाके बिल्ड इन पब्लिक करना है, नेटवर्क क्रिएट करना है अपना, दुनिया को बताना है कि भाई मैं भी एक प्रोग्रामर हूँ, मुझे भी काम आता है। अब देखें अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूँ, गवर्नर इनिशिएटिव जो हो रहा है, इनको कैसे पता चला कि मैं जो है मुझे टाइप सेट आती है और मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैं पढ़ा सकता हूँ, कैसे पता चला, मेरी IDP देखी उन्होंने मुझसे, मुझे उन्होंने जो है पब्लिकली मुझे सर्च किया, नेटवर्क मेरा बना हुआ था, मैं ऐसे लोगों से कनेक्टेड था जिन्होंने जो है वो जो प्रोग्रामिंग फील्ड से हैं, तो उन्होंने वहां पे देखा और वहां से ढूंढा, तो मुझे मैसेज किया उन्होंने। तो इसी तरह जो है वो बताना पड़ता है दुनिया को कि भाई हम भी प्रोग्रामर हैं, हमें भी ये चीजें आती हैं। और वो कैसे करना है, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने जो है लिंक्डइन की एक प्रोफाइल बनानी है और गिटहब की प्रोफाइल बनानी है। अब ये दोनों, गिटहब क्या है, गिटहब सीखना है आप लोगों ने। अच्छा, ये जो बीच में गैप आएगा ना,
मतलब अभी एक वीक ये वाला हमारा क्लासेस होंगी, ये वाला फ्राइडे सैटरडे संडे, और नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे संडे क्लासेस होंगी। उसके बाद हमारे पास तकरीबन 3 वीक का गैप आएगा, तो उस 3 वीक के अंदर आप लोगों ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ गिटहब सीखना है। मैं आप लोगों को जो है वो ज्यादा इसलिए टास्क नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पता है रमजान है, टाइम मैनेज करना काफी मुश्किल है, तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो गिटहब सीखना है और लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनानी है, और जो है वहां पर डेली बेसिस पे पोस्ट करनी है। अब वो सारा पोस्ट कैसे करनी है, आईडी को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, वो सारा हम जो है आगे देखेंगे, लेकिन गिटहब जो है आप लोगों ने खुद सीखना है, क्योंकि गिटहब एक ऐसी चीज है कि वो तो जो है लाजमी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये तो सारी हो गई बात, तो आप कोई लोगों को पता होनी चाहिए। जी कुछ बोलना चाह रही है मिसा? दिक्कत, मैं कह रही हूँ 3 वीक का गैप क्यों आएगा? 3 वीक का गैप इसलिए आएगा कि एक 2 वीक तो मेरे भी लास्ट अशरा आएगा उसके अंदर, तो उसमें होगा, और 1 वीक हमारा ईद का आ रहा है, जुम्मा हफ्ते को ईद है शायद पहले, तो इस वजह से जो है वो वाला वीक क्लासेस नहीं होंगी। अच्छा असल में ईद उन दिनों में आ रही है जिन दिनों में जो है वो हमारी क्लासेस हैं, और लास्ट अशरा जो है वो उसके अंदर भी हमारी मे बी 2 क्लासेस आ रही हैं, तो इस वजह से जो है वो नेक्स्ट वीक हमारी क्लासेस होंगी, उसके बाद से आप लोगों के जो है वो गैप है, फिर दोबारा कंटिन्यू हमारा ईद के बाद जो है मे बी 19 तारीख है या 17 तारीख है, वहां से जो है कंटिन्यू होगा हमारा ईद के बाद। अच्छा अब मैं यहाँ पे जल्दी से जो है main.ts की फाइल बना लेता हूँ। अच्छा आप लोगों को समझ में आ गया ना क्या करना है, आप लोगों ने लिंक्डइन की प्रोफाइल लाजमी बनानी है और दुनिया को बताना है कि हमें भी जो है काम आता है, हम भी काम कर सकते हैं। आप लोगों ने जो है ये लिंक्डइन सीखना है। अच्छा रमजान के बाद जैसे मैंने कहा कि क्लासेस अब कंटिन्यू होंगी, तो आप लोगों के लिए एक सेशन हम लोग रखेंगे, अब बैच 1 और बैच 2 दोनों कंबाइन होंगे, उसके अंदर हम ये सारा देखेंगे कि लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, क्योंकि अब जो है जिस तरह ये इतनी तेजी से AI फैल रहा है और चीजें अपडेट होती जा रही हैं, तो अभी से जो है बैच 1 बैच 2 वालों को भी जो है मैं लिंक्डइन की प्रोफाइल बनवा रहा हूँ उनकी, और सारा उनको जो है ये बता रहा हूँ कि कैसे लिंक्डइन पब्लिक करना है और कैसे जो है अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, क्योंकि आज के दौर में वही सक्सेसफुल है जिसका जो है नेटवर्क है, जिसके पास स्किल्स हैं, स्किल्स भी मल्टीपल स्किल्स हैं, और जो मतलब सीखने वाला बंदा मल्टी टैलेंटेड है और वो रुकता नहीं है कि उसने जावा सिर्फ सीख ली, टाइप सिर्फ सीख ली पूरी तो वो बैठ गया और वो दूसरी चीजें नहीं सीख रहा, तो फिर जो है वो वहां पर उसके लिए प्रॉब्लम है और उसको खतरा है AI से, क्योंकि AI जो है वो उसको रिप्लेस कर देगा। अच्छा खैर चलें अब जो है आते हैं अपने इस पे वापिस, हमने एक टाइप सिर्फ की फाइल बनाई। अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लॉक कर लेता हूँ, console.log, इसके अंदर मैं हेलो वर्ल्ड लिख लेता हूँ। अच्छा अब हेलो वर्ल्ड मैंने जो लिखा है, हेलो वर्ल्ड इसके अंदर आप लोग कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है, हेलो वर्ल्ड के अंदर आप ये डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी लिखेंगे वही उसके अंदर जो है वो प्रिंट होगा कंपाइलर के अंदर। अच्छा अब जो है ये भी हमारा कंपाइलर है, एक ये भी हमारा टर्मिनल है, और हम जो है अपना दूसरा टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं यहाँ से, न्यू टर्मिनल, ठीक है, ये वाला हम ये भी हमारा टर्मिनल है और ये वाला भी हमारा टर्मिनल है, ठीक है। आज हम जो है इसमें स्टार्ट करते हैं अपना कंपाइल करना। सबसे पहले मैं लिखूंगा TSC स्पेस फाइल का नाम main.ts, ठीक है। अब TSC main.ts क्यों लिखा, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि कंपाइलर को जो है और हमारे सिस्टम को वो जावास्क्रिप्ट समझ में आती है, तो हमें जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये वाली जो है वो कमांड चलाई, कौन सी कमांड, TSC main.ts, ठीक है। अब ये कमांड क्या कर रही है इसको समझ लेते हैं, वैसे मैंने पहले भी समझाया था लेकिन रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत जो है वो यूजर वाली चीजें हैं। TSC मतलब टाइप स्क्रिप्ट, सी मतलब कंपाइलर, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर, उसके आगे हम main.ts क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो हमारी फाइल का नाम है, हमें इस फाइल को जो है जावास्क्रिप्ट फाइल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब TSC main.ts लिखा, एंटर करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एंटर करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ही टाइम लेगा और क्या होगा, हमारा जो है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल कन्वर्ट हो जाएगी, जावास्क्रिप्ट फाइल बन जाएगी ऑटोमेटिकली। ये देखें यहाँ पे जो है हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई और बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए। अच्छा अब जावास्क्रिप्ट की हमारी फाइल बन गई, अब हमें जो है इस कंसोल के अंदर जो हमने लिखा है, कंसोल क्या चीज है, कंसोल बेसिकली जो है
हमें जब भी कुछ प्रिंट करवाना होता है तो हम कंसोल का यूज करते हैं। बस अभी आप लोग इतना समझिए इसके बारे में। कुछ भी हमें जब प्रिंट करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम कंसोल डॉट लॉग डबल कोटेशन लगाने के बाद उसके अंदर हमें जो भी प्रिंट करवाना है, अपना नाम प्रिंट करवाना है या अपना जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना, कुछ भी एक्स वाई जेड आपने जो भी प्रिंट करवाना है वो यहाँ पर जो है हम लिखते हैं। अच्छा, अब ये जावास्क्रिप्ट भी फाइल में कन्वर्ट हो गई, टीएससी मेन डॉट टीएस। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा नोड स्पेस, अब मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है कंपाइलर को जावास्क्रिप्ट समझ में आती है, मेन डॉट जेएस। अच्छा, अब मैंने नोड क्यों लिखा, नोड इसलिए लिखा कि नोड जेएस क्या कर रहा है, बैकएंड में ये कंपाइल करता है। ये बेसिकली बैकएंड में नोड जेएस यूज होता है और हम बैकएंड में सीख रहे हैं टाइपस्क्रिप्ट को, ठीक है, एज अ बैकएंड हम टाइपस्क्रिप्ट सीख रहे हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, मैं एंटर करूंगा, ये देखें यहाँ पे जो है हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अच्छा सर आशन भी हमारे साथ हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक और लॉग कंसोल डॉट लॉग लगा लेता हूँ। ये मैंने सारा पिछली क्लास में लिख लिया कर लिया था, लेकिन एक दफा हम थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी जो है वो न्यू चीज है, अभी तक इस तरह का आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो जो है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अपना नाम लिख लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएं कि ये कैसे प्रिंट होगा। ये सिंपल लास्ट क्लास में हमने देखा था, तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, थोड़ा सा जो है आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि किस तरह प्रिंट होगा, कंपाइलर के अंदर जब मैं करूंगा तो किस तरह जो है ये प्रिंट होगा, पहले क्या लिखा हुआ आएगा। चल वर्ल्ड को हटा देते हैं, सिर्फ हेलो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब कैसे प्रिंट होगा, कंपाइलर के अंदर जब मैं इसको कंपाइल करवाऊंगा तो कैसे क्या प्रिंट होगा हमारा। जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा था, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, कोड को देख लें आप लोग। जी, कोई बताना चाह रहा है, आएगा। ठीक है, चले हम करके देख लेते हैं। टीएससी इसलिए किया क्योंकि हमने जब भी चेंजेस करते हैं इसके अंदर तो हमें जो है दोबारा से टीएससी करना पड़ता है, ताकि जो है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर चेंजेस हो जाए। देखिए, मैंने वहां पे टीएससी कमांड चलाई तो जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर भी जो है ये हेलो और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग आ गया। अच्छा, अब जो है मैं यहाँ पे कंपाइलर के अंदर आके मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रिंट करवाना है, नोड मेन डॉट जे एस। अब देखें यहाँ पे कैसे हुआ, लाइन बाय लाइन जो है ये जावास्क्रिप्ट रन होती है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कैसे लाइन बाय लाइन और कॉलन बाय कॉलन जावास्क्रिप्ट रन होती है, ठीक है। लाइन बाय लाइन कैसे, मतलब जो फर्स्ट लाइन में लिखा होगा वो पहले देखा जाएगा, उसके बाद जो सेकंड लाइन में लिखा होगा वो उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद जो है हम जो थर्ड लाइन में लिखा होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हम समझते हैं कुछ चीजों को, या एक काम करते हैं इंस्टॉलेशन करते हैं, क्योंकि इंस्टॉलेशन जब तक नहीं करेंगे तो वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। अच्छा, इसको भी लिखे रहने देते हैं और हम उसमें ही आ जाते हैं। मैं 2 मिनट के लिए स्टॉप शेयर कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं जो है आप लोगों के साथ वो खोल रहा हूँ। अच्छा, 2 मिनट बुझ रहे हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ। जी, अच्छा, मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा था, यहाँ से आके इसको
शेयर, थोड़ी स्क्रीन कर लेते हैं शेयर। ओके अच्छा, लास्ट क्लास तक हमने कौन से पेज नंबर तक पढ़ लिया था, याद है किसी को? नीचे करके देख लेते हैं। अच्छा, ये सब हमने पढ़ लिया था। देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात जो लिखी हुई है, यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक डिग्री टू बी अ डेवलपर। अच्छा, अभी मैं यहाँ पे एक और स्टोरी बता सकता हूँ, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं। एक और जो है वो एक प्रोग्रामर की स्टोरी याद आई मुझे, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। किसी नेक्स्ट क्लास में या कभी बाद में आप लोगों को जो है वो बताऊंगा मैं। काफी ज्यादा जो है मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ी हुई हैं कि कैसे जो है जिसने 10 मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी, फिर भी उसने जो है वो कोडिंग फील्ड के अंदर आया और उसने स्टार्ट किया जो है ये सीखना, यूट्यूब से सीखना स्टार्ट किया, और आज वो जो है दुबई के अंदर एक कंपनी के साथ काम कर रहा है। उसने कंपनी जो है कंपनी ने जो है उसको हायर कर लिया अपने साथ। कुछ भी नहीं आता, डिग्री कोई भी नहीं है उसके पास, और मतलब दोस्त ही कह ले मेरा, एक इधर फैकल्टी मेंबर ही है वो गवर्नर इनिशिएटिव में। अब वो सारा उसने कैसे किया वो सब हम कभी नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अच्छा, हमने जो है वो यहाँ तक पढ़ लिया था, आई एम अ प्रोग्रामर तक। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रोग्रामर होता क्या है, कोडर क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि एआई इतनी स्पीड से जो है वो बढ़ रहा है आगे, तो देखिए कोड तो एआई लिख के दे रहा है, लेकिन कोड को समझना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो इंसान का ही काम है ना। अब मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्रोग्रामर क्या होता है, उसके बाद मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ और जो है मिसाल देता हूँ आप लोगों को। तो प्रोग्रामर बेसिकली जो है एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, ठीक है, वो लॉजिक बनाता है। प्रोग्रामर प्रोग्रामर कोड नहीं लिखता। अब मैं जैसे अपनी अगर एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे, तो मैं जो है मेरे पास कोई भी प्रोजेक्ट आता है या मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है खुद, तो मैं एक लाइन खुद नहीं लिखता, सारा कुछ कुछ सब कुछ जो है मैं एआई से लिखवाता हूँ या कहीं से जो है मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, और उसके बाद फिर वहाँ उसके अंदर जो है मैं चेंजेस करता हूँ। क्योंकि देखिए सिंटैक्स तो याद कहाँ रहता है। अब जैसे हमें कोई एनिमेशन बनानी है, तो उसका सिंटैक्स मुझे लाजमी कहीं ना कहीं से देखना पड़ेगा, या जो है मुझे कुछ इस तरह का कुछ बनाना है, कुछ बड़ी चीज़ बनानी है, कोई बड़ी वेबसाइट बनानी है। भी आप लोगों ने एचटीएमएल सीएसएस पढ़ी है, तो सिर्फ अगर मैं एचटीएमएल सीएसएस की एग्जाम्पल लूँ, तो मुझे अगर कोई एचटीएमएल सीएसएस का प्रोजेक्ट बनाना है, तो मुझे लाजमी गूगल की, मुझे जो है इन सारी चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो सिंटैक्स जो है एक एक उसका याद रखना इम्पॉसिबल है। तो जो मेन चीज है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी, और वो अब आप लोगों को इतना क्लियर हो गया कि अगर आप लोगों के सामने जो है कोई टेम्पलेट रखा जाए वेबसाइट का, और आप लोगों को कहा जाए कि उसको चेंज करें अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आप लोग उसको इजीली कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, एचटीएमएल सीएसएस का कोई भी टेम्पलेट रख दें पूरी एक वेबसाइट का, और आप लोगों से कहें कि आप लोगों को जो है उसको कन्वर्ट करना है अपनी वेबसाइट में, तो आई नो कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो मे बी कहें कि नहीं कर सकते, लेकिन आप में से मेजोरिटी मुझे पता है कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मतलब इस तरह जो है आप लोग एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। अब एआई से कोड लिखवा लिया आप लोगों ने, एआई जितना मर्जी बढ़ जाए ना, आप लोगों को एआई से ऊपर जाना है। कभी भी ये नहीं कहना कि भाई एआई तो जॉब छोड़, एआई हमारी जॉब खा जाएगा, या एआई की वजह से जॉब्स कम हो गई हैं तो हम जो है वो कर ही नहीं सकते, हमसे नहीं होगा। ऐसा अगर करके हाथ हाथ रख के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जितना ज्यादा एआई आए, जितना ज्यादा एडवांस एआई सारे आए, जैसे अभी डेवन एआई आया है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एआई, तो आप लोगों ने उसे घबराना नहीं है, बल्कि उसको जो है और उसको कहना है कि चलो इसकी हेल्प से अब हम क्या क्या बना सकते हैं, आइडियाज सोचने हैं कि इसका यूज करके हम लोग क्या न्यू चीज बिल्ड कर सकते हैं, क्या न्यू चीज जो है हम बना सकते हैं पब्लिक के अंदर। तो ये जो है आप लोगों को सोचना है। अच्छा, अब ये चीज समझ में आ गई कि प्रोग्रामर क्या होता है। प्रोग्रामर एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, एक लॉजिक बिल्डर है, और वो प्रोग्राम की लॉजिक बनाता है, प्रोग्राम के अंदर और एडवांसमेंट लेके आता है, फीचर ऐड करता है जो एआई ने बनाए होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास काफी प्रॉब्लम्स हैं, और ये सारी आप लोगों ने खुद पढ़नी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ रिसीव पर्सनल गाइडेंस फीडबैक फ्रॉम, अच्छा, ये तो गवर्नर इनिशिएटिव के लिए बनाई गई है बेसिकली, ये जो है स्लाइड जो है। तो अगर इसमें कोई ऐसा हो कि जैसे यहाँ पे लिखा फैकल्टी मेंबर से आप वो हेल्प लें, तो आप जो है वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। इसी गाइडेंस है प्रॉब्लम क्वेश्चन टू द टेबल। अच्छा, ब्रिंग यहाँ पे टेबल पे लिखा हुआ है, आप लोगों ने कहाँ लेके आना, ग्रुप में आप लोगों ने पूछना अगर कोई भी क्वेश्चन हो।
अच्छा बेनिफिट ऑफ अटेंडिंग, ये भी पढ़ना है आप लोगों ने। और ये जो मैं पढ़ने के लिए कह रहा हूँ ये पढ़ना भी है, ऐसा ना ऐसा नहीं करना कि जो है आप लोगों ने बस यहाँ पे मेरे सामने से पढ़ा और बस छोड़ दिया घर पे। इसको जो है जो ऊपर वाले पेजेस, अभी मैं ऊपर लेके नहीं जा रहा आप लोगों को, जो हमने शुरू में पढ़े थे उसको भी पढ़ना है, ठीक है, कि वाई चूज टाइप स्क्रिप्ट और ये सारी चीजें। अच्छा अब यहाँ पे आता है पेनावर्स लर्न टाइप स्क्रिप्ट। अब ये है गिटहब, ठीक है, क्या है ये गिटहब, ये लिंक दिया हुआ यहीं से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये गिटहब की एक रिपोजिटरी है। अब रिपोजिटरी क्या है, इसीलिए मैं आप लोगों से मुस्तकिल कह रहा था कि गिटहब सीख लें, गिटहब सीख लें, गिटहब सीख लें, ठीक है। अब आप लोगों ने जो है गिटहब को सीखना है लाजमी। अब ये एक पूरी रिपोजिटरी बनी हुई है यहाँ पे, गिटहब पैनावर्स लर्न टाइप से, जी। तो मैं कह रहा था कि ये पूरी जो है रिपोजिटरी बनी हुई है लर्न टाइम टाइप स्क्रिप्ट, और हम इस रिपोजिटरी को ही कवर करेंगे। अच्छा अब ये क्या चीज है, अभी आप लोगों को एकदम से ये न्यू न्यू आया है आप लोगों के सामने, तो थोड़ा सा आप लोग जो है आप लोगों को लग सकता है कि भाई ये क्या चीज है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, सबसे पहली जो फाइल है यहाँ पे। अच्छा पहले मैं आप लोगों को पूरा इंटरफेस बताता हूँ ये क्या चीज है। ये पूरा गिटहब है, अब ये सीखना है आप लोगों ने खुद कि क्या गिटहब में होता है, क्या चीज है, गिटहब क्यों यूज करते हैं, गिटहब को बनाया किसने, क्यों बनाया, और इसका यूज क्या है पब्लिक के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें खुद सीखनी है। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे पहली फाइल बनी हुई है नोट प्रोजेक्ट्स की। अब ये आप लोगों के जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं, मे बी 9 प्रोजेक्ट्स हैं ये। अच्छा ये खुल रहा है जी, यहाँ पर जो है 11 11 प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा सबसे पहले तो आप लोगों का जो प्रोजेक्ट होगा वो आप लोगों ने कैलकुलेटर बनाना होगा, उसके बाद आप लोगों ने एक गेम बनानी होगी जो नंबर गैस करेगी, नंबर गैसिंग गेम बनानी होगी। उसके बाद थर्ड प्रोजेक्ट जो आप लोगों का होगा वो होगा आप लोगों ने एटीएम का बैकेंड सिस्टम बनाना है, कि एटीएम जो है वो कैसे वर्क कर रहा होता है सारा, ठीक है। कि 12 प्रोजेक्ट्स है सर। जी 12 प्रोजेक्ट है, वही मैंने देख लिया था कि 0 0 0 भी है, ठीक है। तो एटीएम जो है आप लोगों ने बनाना है, उसके बाद टू डू लिस्ट बनानी है। अभी टू डू लिस्ट क्या है ये हम सर का ना बताना चाहेंगे, टू डू लिस्ट का, टू डू लिस्ट क्या होती है। जी, टू डू लिस्ट ऐसे, यानी कि आप कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाएं जिसके अंदर आप कोई भी, आपने कोई भी काम करना है, जैसे आप नोट्स लेते हैं तो ऐसे आप उसको आप लिख के सेव कर सकते हैं उसके अंदर, और फिर आपके पास रिमाइंडर आ जाता है कि आपने ये काम करना है। जैसे इसकी एक और एग्जाम्पल लें तो जैसे आप गूगल कैलेंडर होता है उसके अंदर आप सेट कर लेते हैं कि भाई मुझे इस तारीख को इस टाइम पे आप लोगों ने मुझे बताना है कि मुझे ये काम करना है। इसकी एग्जाम्पल अलार्म ले लें, अलार्म आप सेट करते हैं, एक दफा आप लोगों ने सेट करके रख दिया कि पूरे हफ्ते आप बजते रहो, भाई आप 6 बजे सुबह बज जाओ अलार्म, तो बजता रहता है। इसी तरह टू डू लिस्ट भी काम करती है, कि टू डू लिस्ट क्या करती है, आप लोग वहाँ पे लिस्ट बना के रख देते हैं और फिर आपको जो है वो जो आपने टाइम या डेट सेट की होती है उससे आप लोगों को रिमाइंड करवाता रहता है। अच्छा इसको आगे भी हम देख लेंगे टू डू लिस्ट को क्या है कैसे करना है। उसके बाद आप लोगों के पास करेंसी कन्वर्टर है। अच्छा करेंसी कन्वर्टर क्या करता है कि आप लोग, ये तो पता है आप लोगों को बेसिक सारी चीजें हैं। उसके बाद वर्ड काउंटर है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, एडवेंचर गेम है, पूरी गेम बनानी, फिर आप लोगों ने क्विज बनाना है, काउंट डाउन टाइमर बनाना है, ऊप। अब ये ऊप क्या है ये हम आगे देखेंगे, ऊप माई बैंक, ये भी हम जो है आगे देखेंगे। तो 11 प्रोजेक्ट हैं जो आप लोगों ने इस टाइप स्क्रिप्ट को सीखने के बाद, पूरी टाइप स्क्रिप्ट सीखने के बाद आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट्स बनाने हैं लाजमी। और ये CLI प्रोजेक्ट्स हैं कमांड लाइन इंटरफेस के, इसका फ्रंट एंड नहीं बनेगा, सिर्फ ये आपके कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर चलेंगे, जिधर आप अभी जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे ना, जिधर जीस के अंदर चलेंगे सिर्फ ये। इसके अंदर जो है ये सारी गेम्स और ये सारे टू डू लिस्ट ऐप चलेगी, सारी चीजें इसी के अंदर रन होंगी। जैसे मैंने पहले बताया कि हम जो है बैकएंड में सीख रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट को, तो ये सारी चीजें जो है बैकएंड के अंदर आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर जो है हम वापस अगर आए तो हमारे पास जो है स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड आ जाता है। अब मैं इसको खोल लेता हूँ। अच्छा अब मैंने इसको खोला, मेरे सामने जो है यहाँ पर काफी सारी फाइल्स आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहले फाइल तो ये गिट की है, इसको अभी छोड़ दें, आप बिल्कुल इग्नोर करें। उसके बाद app.ts, अब app.ts अच्छा आप आप बता दें थोड़ा सा गिटहब, जी सर आप इनको बता दें थोड़ा सा गिटहब क्या होता है ये, वरना बिल्कुल परेशान हो जाएंगे थोड़ा। चले आप बता दें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आप बताना चाह रहे हैं मैं बताऊं?
जी, तो गिटहब जैसे कि आपको कोई भी फाइल शेयर करनी होती है कोड की, जब आप प्रोफेशनल मार्केट के अंदर आएंगे, किसी भी कंपनी में काम करेंगे डेवलपर्स के साथ, तो आपको अपना कोड शेयर करना होता है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि कोई और आपका कोड वहां से यूज़ कर सके पूरे एक एप्लीकेशन बनाने के लिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज के अंदर कोड कर रहे हैं, जैसे कि आप सिर्फ फ्रंट एंड पे कोड कर रहे हैं और बैक एंड के साथ इंप्लीमेंट करने के लिए आपको वो कोड कहीं पे पुश करना होता है, ताकि दूसरा डेवलपर आपका वो कोड वहां से उठाकर अपने पास डाउनलोड करके बैक एंड के साथ इंप्लीमेंट कर सके। तो गिटहब बेसिकली यही चीज़ है। जैसे आप व्हाट्सएप पे फाइल शेयर करते हैं, पिक शेयर करते हैं, तो व्हाट्सएप पे तो आप कोड नहीं शेयर कर सकते, तो ये गिटहब के ऊपर आप सारे अपना एक अकाउंट बनाते हैं, उसके ऊपर आप सारे कोड शेयर कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट भी कोड अपना रख सकते हैं, अगर आपको पब्लिक रखना है तो पब्लिक। और गिटहब सबसे ज़्यादा आगे जाके काम ऐसा आएगा, जब हम नेक्स्ट ईयर सीखेंगे तो हम जो अपनी एप्स डिप्लॉय करेंगे, यानी कि जो गूगल पे चल सके हमारी एप्स एक स्पेसिफिक डोमेन के ऊपर, तो हम गिटहब की जो भी रेपोजिटरीज होती हैं बेसिक उसके ऊपर, जिसका प्रोजेक्ट का कोड आपकी जिस रेपोजिटरी में होता है वो यूज़ करके हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसकी मैं आप लोगों को थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ चीज़ों को। देखें, गिटहब जो है, जैसा सरगाशन ने एग्जांपल दी के जो है कोडिंग शेयर के लिए, अब यहाँ पे मिसाल ले लें, आप लोगों की 5 बंदों की टीम है, हमारे साथ 5 स्टूडेंट्स हैं या 4 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब आप चारों की एक टीम है, ठीक है। अब अब्दुल्ला क्या करेंगे, अब्दुल्ला ने बनाना है मिसाल के तौर पर HTML का कोड, अब्दुल्ला लिख रहे हैं, CSS का कोड मलाइका इमरान लिख रही है, और CSS के अंदर लॉग इन फॉर्म बना रही है मिस मारिया, मिस्तूबा कर रही है, मिस्तूबा जो है बैकेंड बना रही है टाइप स्क्रिप्ट से। अब चारों अलग अलग काम कर रहे हैं, बट एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक फाइनल बंदा होगा जो इन सारी चीजों को कंबाइन करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला ने HTML कोड लिख लिया, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, वो उन्हीं के जो है सिस्टम के अंदर मौजूद है, वो उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब मलाइका इमरान उसको एक्सेस नहीं कर सकती, मिस मारिया उसको एक्सेस नहीं कर सकती। तो इसी का सॉल्यूशन आप कह लें कि ये गिटहब है, आप एक गिटहब की रिपोजिटरी बना सकते हैं और उसका एक्सेस आप चारों ले सकते हैं, और जैसे जैसे आप कोडिंग करते रहेंगे आप उसके ऊपर जो है उसको पुश करते रहेंगे, अपने कोड को पुश करते रहेंगे, ठीक है। तो जैसे ही जैसे अब्दुल्ला ने HTML कोड लिख लिया, तो वो पुश कर देंगे गिटहब के ऊपर, और वो आप लोगों के सामने, इस तरह आप लोगों के सामने रिपोजिटरी के अंदर आ जाएगा, इसी तरह फाइल से सूरत में आप लोगों के सामने आएगा। अब मिस मारिया ने फॉर्म का पेज बना लिया, तो वो क्या करेंगी, वो यहाँ पे जो है form.css के नाम से फाइल आ जाएगी, यहाँ पे पुश करेंगी जब वो अपने कोड को, तो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद में तूबा ने जो है वो फाइनल बना लिया अपना, उसका क्या कहते हैं, बैकेंड बना लिया टाइप स्क्रिप्ट से, तो वो यहाँ पे जो है app.ts के नाम से उन्होंने फाइल यहाँ पे पुश कर दी, ठीक है। इस तरह जो है आप लोगों का कोड एक जगह सारा जमा हो गया। अब एक बंदा होगा, जैसे मिसाल ले लें, कोई और तलहा नहीं है हमारे साथ, तलहा क्या करते कि वो हमारा जो है सारी चीजों को फाइनलाइज कर दे, तो वो इसी तरह जो है यहाँ से app.ts के अंदर आके टाइप स्क्रिप्ट कोड लेते, जैसे यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, देखिए इस तरह कोड लिखा हुआ है, line number 1 2 3 कोड इस तरह ऐसे कॉपी करते और अपने VS कोड के अंदर आके उसको यहाँ पे पेस्ट करते थे, ठीक है। फिर आते वो HTML फाइल के अंदर, वहां से कॉपी पेस्ट करते और कॉपी करते यहाँ पे आके पेस्ट करते, तो उनके पास जो है सारा कोड आ जाता और उनके पास फाइनल वेबसाइट तैयार हो जाती। तो गिटहब बेसिकली जो है इस तरह इसमें काम आता है। अच्छा, अब ये तो हो गई कंबाइंड, उसकी आप लोगों ने ले लिया कि 5 बंदों की टीम थी वो बना रही थी। अगर आप अकेले एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो गिटहब कैसे यूज होता है, तो गिटहब यूज होता है जब आप लोगों को गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करनी होती है किसी एक स्पेसिफिक डोमेन के नाम से, किसी एक, मतलब जैसे आप लोगों ने अपना एक स्कूल खोल लिया, और उसकी मिसाल दे रहा हूँ, आपने स्कूल खोला, उसकी आपने वेबसाइट बनानी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है उसकी एक डोमेन खरीदेंगे और उसका जो कोड है उसको आप लोग जो है वो गिटहब के ऊपर पुश करेंगे, तो ही जो है आप लोग जाके वहां से कर सकते हैं, मतलब डिप्लॉय कर सकते हैं गूगल के ऊपर। तो गिटहब बहुत ज्यादा यूज होता है आगे, और रियल वर्ल्ड की जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट बनाने, रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर ही आकर उसको रखेंगे, तो जो भी डेवलपर होगा या जैसे कंपनी का CEO है वो आके लिखेगा, यहाँ पे सरकार का नाम लिख देता हूँ, काशान खालिद, तो देखते हैं शायद आ जाए, वैसे मैंने काफी सर्च किया हुआ है तो काफी, मतलब इंजन लगा हुआ है तो शायद आए, देखते हैं। देखें सबसे पहले जो है काशान खालिद के नाम से जितनी प्रोफाइल थी वो आ गई, उसके बाद काशान, ये देखें ये इनकी अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर आ गई।
अच्छा, जब आप लोग लिंक्डइन की प्रोफाइल बना लें तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है हमसे भी कनेक्शन बनाना है, ताकि हम लोग जिन जिन से कनेक्टेड हैं वो आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को देख सके। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो ये सारे काम करने हैं। अच्छा, भारत ही ओपन होता रहेगा। खैर, वापस आते हैं हम इसके ऊपर, गिटहब के ऊपर। अच्छा, बाकी जो गिटहब है, अभी रिपोजिटरी कैसे बनानी है, इसको कैसे करना है, वो आप लोगों ने सारा जो है वो खुद सीखना है। यूट्यूब से देखिए, आप लोगों के पास बहुत सारे ट्यूटोरियल पढ़ने में आप इजीली इसको समझ सकते हैं। अच्छा, अब जो है यहाँ पर मैंने स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड खोला था, एक दफा दोबारा से खोल लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया, आप लोग इसके ऊपर आ गए रिपोजिटरी के ऊपर, सामने आप लोगों के सामने ऐसा कोड नजर आ रहा था, आप लोगों ने स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड को खोला। हेलो वर्ल्ड को खोलते ही आप लोगों के सामने ये सारी जो है फाइल आ गई। अभी गिट इग्नोर का आप छोड़ें, ये क्या है कि जो है वो कैसे पुश करना है वो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो है app.ts हमारी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है, तो जैसे ही मैं इसे खोलूंगा यहाँ पर देखें, अभी तो फिलहाल ये लेट मैसेज इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड क्या लिखा हुआ है, इसको आप लोग अभी छोड़ें, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये क्या है। बेसिकली मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल डेटा स्टोर करने में काम आता है, तो ये एक वेरिएबल है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, ये हो गई हमारी स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं वापस जाऊं, अच्छा बाकी जो पैकेज डॉट जेसन की वो सारी चीजें थी वो हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद ये सारी जो है यहाँ पे हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट की पूरी रिपोजिटरी बनी हुई है। ये सारे जो है टाइपस्क्रिप्ट के ही जो अभी कॉन्सेप्ट हैं उसके नाम है, ना सेट ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये ऑब्जेक्ट हो गए, एरेज हो गए, फंक्शंस हो गए, तो ये जो है हमारे पास पूरी की पूरी रिपोजिटरी है 28 स्टेप्स के अंदर। ठीक है, तो हम जो है इसी को कवर कर रहे होंगे आगे पूरा का पूरा, जितना भी हमारा मे बी 3 to 4 months हमें लग जाएंगे आराम से, तो कम से कम बोल रहा हूँ मैं वो भी, कि हम जब टाइपस्क्रिप्ट को फुल एडवांस में डीपली जब हम उसको जो है सीख सकेंगे। अच्छा, ये रिपोजिटरी बनाई है सर अल्लाह खान ने, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिपोजिटरी हम जो तो यूज कर रहे हैं वो किसकी है। अच्छा, अब आपने गूगल से कैसे जो है वो करना है, आप लोगों ने सिंपली जो है, अगर आप इससे नहीं खोल रहे मतलब इस स्लाइड से नहीं खोल रहे, तो आप लोग सिंपली क्या करें, गूगल पे आए, यहाँ पे लिखें टाइपस्क्रिप्ट पेनावर। ठीक है, मैंने ये लिखा लर्न टाइपस्क्रिप्ट पेनावर, जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरे सामने जो है पहली ही रिपोजिटरी आ जाएगी गिटहब की, लर्निंग टाइपस्क्रिप्ट इन बेबी स्टेप्स। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर लूंगा तो मेरे सामने जो है वही वाली सेम टू सेम खुल जाएगी। ठीक है, ये अभी खुल रही है, तो ये देखिए मेरे सामने जो है वो खुल गए। तो अभी हमने बहुत ज्यादा कुछ सीखना है, आज की क्लास में बस आपको जो है वो यही अपडेट किया सारा और बताया कि कैसे जो है वो करना है और क्या क्या चीजें हम आगे पढ़ रहे होंगे। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, आप लोगों को पता होना चाहिए था कि जो है ये सारी चीजें क्या है और कैसे जो है इसको आगे कर रहे होंगे। अच्छा, हमारी क्लास जो है वो 1 मिनट के अंदर खत्म होने वाली है, कल हम लोग जो है आगे देखेंगे इंस्टॉलेशन करना, एपीएससी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे हम लोग, और बाकी जो पैकेट डॉट जेसन वाली जो सारी चीजें थी इसके अंदर, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये पैकेट पैकेज लॉग डॉट जेसन, पैकेज डॉट जेसन रीड भी, ये सब हम लोग जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो हम ये सारी फाइल भी बना रहे होंगे, पैकेट डॉट जेसन वगैरह की फाइल बना रहे होंगे और सारी जो है कर रहे हो, तो कल वाली क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है सब नेक्स्ट क्लास में लाजमी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा किसी कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से? अब आप लोगों का टास्क क्या है, आप लोगों ने जो है लिंक्डइन की प्रोफाइल बनानी है लाजमी। ठीक है, हमारी क्लास खत्म हो गई है, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के सर लिए। कॉल कर लीजिएगा मुझे।